जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है बिल्कुल सही न्यूज़ है, ये कोई फेक नहीं है। आप लोग जो है अफवाहों से बचे, पीसीसी जो है बंद हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरा नाम आसिफ है और आप देख रहे हैं आसिफ बोलो। तो जी मैंने कल वीडियो अपलोड किया था पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर, तो इसमें बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, जो कि पीसीसी जो बंद हुआ है तो वो सिर्फ जो इसका वीज़ा मुंबई से स्टाम्प होता था वो सिर्फ मुंबई से ही बंद है। तो मैं आप लोगों को पूरी वीडियो में सब कुछ स्क्रीन शॉट के साथ मैं इसको प्रूफ करता हूँ और आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी समझ जाएंगे वीडियो देख के। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, कल 17 नवंबर जो कि थर्सडे था और कल 5 बजे सऊदी एम्बेसी ने एक ट्वीट किया जिसके जरिए उसने बताया जो कि जो भी वर्कर थे जो कि सऊदी आने वाले थे तो उनको सऊदी आने के लिए बहुत सारा मतलब परेशानियों का दिक्कत करना पड़ता था, जैसे कि पीसीसी बहुत लाजिम था, बिना पीसीसी का उनका वीज़ा जो है इशू नहीं होता था। तो पीसीसी बनाने के लिए अपने जो है नज़दीकी थाने में जाके वो अप्लाई करते थे तो करीब 2-3 महीने लगते थे, बहुत ही टाइम लगता था। तो ऐसा कुछ अभी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी सारा कुछ बंद है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि सिर्फ मुंबई से ही बंद हुआ है, जिसका वीज़ा जो है मुंबई से ये इशू हो रहा है, वीज़ा स्टाम्प पर है तो सिर्फ मुंबई से ही है, पीसीसी नहीं लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो या तो इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं किसी भी, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा क्योंकि पीसीसी पूरा जो भी भारत के नागरिक है या तो वो हिंदू है या मुसलमान है, सारे लोगों के लिए जो है पीसीसी बिल्कुल बंद है, पीसीसी का भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पीसीसी के लिए जो है एक तो यहाँ वर्करों का बहुत ज़रूरत है, तो पीसीसी जो है बनाने के लिए 2-3 महीने टाइम लगता था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है हमारे सऊदी गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट इनके जो है समझौते के हिसाब से ये जो है क्या बोलते हैं इसको हटाया गया। और मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं और आप पूरा पढ़ के जो है समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह रही कि मेरा एक दोस्त है वो आने वाला था सऊदी, करीब 3 महीने पहले उसका इंटरव्यू वगैरह सब हुआ था उसने, तो उसका उस आने वाला था तो क्या बोलते हैं बहुत लंबे समय से उसने वेट किया जो, और कल जो है पीसी से जो बंद हुआ उसके बाद से यहाँ से उसको जो है कंपनी वाला ने उसको कॉन्टेक्ट किया और उसको बताया कि जो है अभी पीसीसी का ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल रेडी रहो। तो मतलब मेडिकल के लिए जो गम का मेडिकल होता है यहाँ जो है गल्फ सऊदी अरबिया में आने के लिए सबसे पहले गम का मेडिकल होता है, तो उसका जो फिटनेस पास करना होता है उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। तो उसको एक कॉल गया और उसको बताया गया कि अभी जो है पीसीसी का ज़रूरत नहीं है, अभी आप रेडी रहो, कब मेडिकल के लिए जा सकते हैं ऐसा कुछ उसको इन्फॉर्मेशन मिला। तो उसने जो है हमसे अभी आज सुबह ही बात हुई तो हमें वो सारा अपडेट दिया बताया। और मैं फ़िलहाल सऊदी में ही रहता हूँ तो हमें सारे न्यूज़ मालूम है। और जो है और एक मैं आप लोग को ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप ये सब पढ़ के आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और जो है कि मैं एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, लोगों का अफवाह है इससे आप लोग बच कर रहें, बहुत दूर रहें क्योंकि बहुत सारे एजेंटों का ये धंधा बना हुआ है। पीसीसी की वजह से अपने जो है इंडिया में बहुत सारे लोग जो है पैसा बहुत ज़्यादा कमाते थे क्योंकि वो बोलते थे 10,000-15,000 हमें दे दो, हमें तुम्हारे पीसीसी 15 दिन के अंदर हम जो है उसको बना के तुमको दे देंगे। तो मतलब उनका जो है एक तरह का बिजनेस है, इसीलिए वो लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं कि अभी पीसीसी जो है बंद नहीं हुआ है, ये है मतलब इधर उधर की बातें करके आपको जो है ना आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल इसे ये ना होएं, आप चाहें तो आप इंटरनेट पर कहीं भी सर्च करके आप देख सकते हैं, ये जो है बिल्कुल सही न्यूज़ है, ठीक है।